हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज आ गए फिर से एक और नया चौखट बनाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हमने क्या क्या काम किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने ये चौखट के लिए जो लकड़ियाँ रान्ना मारकर रेडी कर लिया, और इसके हमने जो दागी है वो भी लगा कर रख लिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अभी चलिए इसको जो है फटाफट से इसका कटिंग वटिंग करके फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये चौखट का फ्रेम जो है हमने दाई जो लगाया हुआ था हमने वो कटिंग करके रेडी कर लिया है। अभी इसको जो है आल फेंकने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ये खिड़की का जो ऊपर में लगाया जाता है वेंटिलेटर जो बोलता है, उसका वेंटिलेशन का चौखट बना रहे थे हमने। तो अभी ये हमने चार पल्ला का चौखट बनाया है, और ये लकड़ी का साइज है वो 6x6x4 का लकड़ियाँ है, तो उसका हम ये चौखट बना रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जो कटिंग करके रखा हुआ था, अभी हम इसको जो ये देखिए बटली के मदद से हम इसको फेंक रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमने जो हाफ इंची फेंकना पड़ेगा इसको, तो इसी तरह से हम ये हाफ इंची फेंक कर जो है रेडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने इस चौखट का साइज़ हमने 1.5x1.5 का बनाया है, अंदर अंदर का साइज़ जो इसका पल्ला जो लगने वाला है, इसमें वेंटिलेशन का पल्ला जो लगेगा वो 1.5x1.5 का रहेगा। चौड़ाई इसके ऊँचाई और चौड़ाई जो है दोनों बराबर रहने वाला है, 1.5x1.5 फीट का। तो ये लकड़ी तो हमने आपको बता दिया है 6x4 का लकड़ी, और हमने ये चार पल्ला का बनाया है। तो ये 60 फीट लंबा है इसका, तो 60 फीट में आपका चार पल्ला का विंडो वेंटिलेशन का फ्रेम जो वो रेडी हो जाता है। अब जो हम इसमें चौखट बना रहे हैं, तो इसका अभी पल्ला का काम भी होने वाला है धीरे धीरे, तो अभी सिर्फ चौखट बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि इस चौखट को कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम आप लोग को दिखा रहे हैं इसका वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, हमने ये देखिए चौखट को जितने भी जो कटिंग करने का काम था, हमने कटिंग करके रेडी कर लिया है, और अब इसको जो है रैबिट जो बोलता है वो रैबिट कटिंग करने का काम जो है वो रह गया है अभी। तो यहाँ पर हमने सब कुछ तो रेडी करके रख चुका हूँ, अभी इसको रैबिट कटिंग करना। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक पीस जो ये पहले एक भेंडिल एक फ्रेम बनाया था उसका कटिंग करके एक पीस बचा हुआ था, तो इसी तरह से जो है अभी ये सारे लकड़ियों को जो है कटिंग करना है। तो चलिए देर ना करते हैं, फटाफट से इसका हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हम ये अभी कटिंग करने के लिए कटर मशीन ले लिया है, तो हमने इसका ब्लेड जो है यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो अभी इसका देखिए कुछ इस तरह से कटिंग कर रहे हैं हम इसको। तो दोस्तों, इसमें हम रैबिट जो पल्ला रैबिट लगाकर जो पल्ला के लिए हम जो साइज़ कटिंग कर रहे हैं, ये 1.5 इंच का कटिंग कर रहे हैं, 1.5x1.5 इंच का जो कटिंग करके फेंकने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पल्ला का जो साइज़ है वो 1.5 इंच का लगाने वाला है। तो 4.5 का जो बोलते हैं 4x1.5 का साइज़ रहेगा, तो 1.5 इंच इसलिए हमने इसको कटिंग कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करके जो है हम निकाल रहे हैं इसको। तो इसी तरह से हम सारे लकड़ियों को जो है कटिंग करके इसका रैबिट कटिंग करके कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका हम फिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा कटिंग करके जो लगभग हो गया है कंप्लीट। तो अभी देखिए, हम इसको जो है सैंड पेपर मार रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम सिर्फ सैंड पेपर इसके ऊपर साइड में मारेंगे, और ये जो खड़ा वाला बटन है इसका हम दोनों साइड में मारेंगे, कि अंदर अंदर ही साइड मारेंगे, और ये बाहर साइड जो रहता है वो दोनों साइड बाहर में हम नहीं मारेंगे, सिर्फ अंदर अंदर स्क्वायर साइज में मारेंगे। तो इसको मार लेने का मतलब फिटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका बाहर साइड में जो है सैंड पेपर मारने वाले हैं। तो चलिए, इसका हम फटाफट से जो सैंड पेपर मार कर कम्प्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिटिंग करने का काम वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने सारे लकड़ियों को जो है सैंड पेपर मार कर दिया है कम्प्लीट, सिर्फ ऊपर साइड में हमने मारा है इसके आगे साइड में, तो इसके साइड में जो है नहीं मारा, सिर्फ हमने ऊपर साइड में मारा है। तो अभी चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से फिटिंग होने वाला है। तो दोस्तों, हमारा पार्टनर भी जो है वो साथ में आ गया है, तो अभी हम जो है दोनों मिलकर जो इसको फिटिंग करने वाले हैं फटाफट से। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से फिटिंग कर दिया है। तो अभी इस पर जो है कील मार लेते हैं फटाफट से, कील मार कर जो अभी इसको तो बाहर साइड में जो है दोनों साइड सैंड पेपर मार कर उसके बाद जो है रोटर मशीन से इसके डिजाइन जो है वो कटिंग करूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इस पर जो कील मारते हुए अंदर नहीं जा रहा था, तो हमने इसके ड्रिल मशीन से थोड़ा थोड़ा सा होल कर दिया है, उसके बाद जो इसका हम किल मार रहा है, वरना किल मारने समय क्या होता है, किल जो बैंड हो जाता है, तो उसकी वजह से हमने ड्रिल से जो तो
हल्का हल्का सा होल करके फिर उसके बाद में कील मार दिया हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमने कील मार कर लगभग एक साइड हो गया, इसको पलट के हम दूसरे साइड पर भी मारेंगे। तो सेम उसी तरह इस तरह भी हम जो है ड्रिल मशीन से हल्का हल्का सा होल करके उसके बाद कील सारे लगा देंगे इस पर। तो दोस्तों ये देखिए हमने ये विंडो का जो है हमने इसमें बनाया डेढ़ बाई डेढ़ का ये साइज़ हो गया है। इसके लंबाई तो 60 फीट का है और ऊंचाई इसका बाहर भारी तो ऊंचाई इसका 25 इंची हो गया है। तो ये देखिए अभी हम इसको सैंड पेपर मार रहा है कुछ इस तरीके से, और हमारा पार्टनर जो है वो अभी रोटर मशीन से इसका डिजाइन जो है वो कटिंग करने वाले। तो दोस्तों पहले हम इसको सैंड पेपर एक इस साइड को रबिट काटा हुआ है, तो इसलिए इसके साइड हम सिर्फ सैंड पेपर मारकर पलट लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ सैंड पेपर भी मारेंगे, उसके नास का कटिंग भी करने वाले हैं। तो इसका हमने एक तरफ सैंड पेपर रबिट जो था उस तरफ रबिट का साइड में सैंड पेपर मारकर हो गया है कम्प्लीट। इसका हमने पलट लिया है, अभी दूसरे साइड हम सैंड पेपर मार रहा हूँ, और इस तरफ हमारा पार्टनर जो है वो रोटर मशीन से जो इसके नास का कटिंग कर रहा है कुछ इस तरह से देखिए। तो इसके बाद सैंड पेपर भी मारकर जो है इसका अच्छी तरह से फिनिशिंग कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमने ये चौकट जो हम सुबह से बनाया था, तो अभी करीबन 12 बज रहा है, तो हमने इसे हाफ बेला में ही चौकट को बनाकर जो है कंप्लीट कर दिया हूँ। तो एक दो पीस बटन तो हमने पहले से रंधा मार के रखा हुआ था छोटा छोटा वाला, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हो गया है ख़त्म। तो मशीन से काम शुरू किया था ना, तो उसके वजह से तो थोड़ा जल्दी से ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हमारा चौकट जो है बनकर पूरी तरह से हो गया है तैयार, ये देखिए अब इसको जो है अपने काम पे लगा सकते हैं आसानी से। ये तो हमने ये चौकट जो है चार पल्ला का बनाया है वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लेकर फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।